दोस्तों, आज एक ऐसे शहीद को हम याद कर रहे हैं जिसे लगभग हमारा देश भूला हुआ है। मदनलाल ढींगरा जी का आज शहीदी दिवस है। 17 अगस्त 1909 को अंग्रेजों ने लंदन में मदनलाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया था। मदनलाल ढींगरा देश के पहले ऐसे शहीद थे जिन्होंने लंदन में जाकर इस देश पर अंग्रेज के जुल्मों का बदला लिया था। आज हमारे साथ हैं प्रदीप सचदेवा जी, जो पत्रकार हैं, चिंतक हैं और जनवादी विचार के मुखर विचार रखते हैं। शहीदों के प्रति हमेशा उनके मन में श्रद्धा रहती है, इसलिए आज हम उनके साथ विशेष चर्चा करेंगे। मैं उनको चर्चा में लाने से पूर्व आप सबको बता दूं, मदनलाल ढींगरा का जन्म 1883 में अमृतसर में हुआ। 1906 में लाहौर में वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ दिन परिवार के विरोध के कारण उन्होंने मजदूरी करी, टांगा चलाया, लेकिन वो झुके नहीं। परिवार ने 1906 में उन्हें पढ़ाई के लिए केवल इसलिए लंदन भेजा ताकि उनकी जो क्रांतिकारियों के साथ जो उनकी बैठक थी, जो विचार थे, वो समाप्त हो जाएं। लेकिन वहां जाकर उनके विचार और पुख्ता हुए। वीर सावरकर के साथ उनकी वहां बैठना उठना हुआ और जिसके कारण उन्होंने एक जुलाई 1909 को कर्नल वैली को उन्होंने गोली मारी, जिसके बाद 25 जुलाई को उनके विरुद्ध मुकदमा चला और केवल 22-23 दिन के मुकदमे के बाद उन्हें 17 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो मैं प्रदीप सचदेवा जी को बहस में लाना चाहूँगा। प्रदीप जी, इतने बड़े शहीद को हमारा देश कैसे भूले हुए हैं? जय हिंद साथियों। 1909 में उनकी शहादत होती है मदनलाल ढींगरा जी की, जैसे भाटिया जी आपने बताया है। उससे पहले वो तांगा चलाते रहे और कुली का काम करते रहे लाहौर के रेलवे स्टेशन पर। परिवार ने उनका साथ किस लिए नहीं दिया, इसकी भी पृष्ठभूमि में हमें जाना चाहिए। उनके पिताजी गित्तामल जी हमारे यहाँ हिसार में सिविल सर्जन थे और उनके 7 टोटल भाई थे। ये 6 भाई और थे मदनलाल ढींगरा जी के, और उनके जो सबसे बड़े भाई थे राजा राम जी, वो यहाँ जींद रियासत के राजा थे। और गित्तामल जी को सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी हुई थी, वो उनसे जुड़े हुए थे ब्रिटिश राज के साथ, और उनकी सारी वफादारियां वास्तव में ब्रिटिश राज के लिए थी। ऐसे में एक क्रांतिकारी बेटा घर में पैदा हो जाए तो बिल्कुल नाफिट होगा वो परिवार में, ये निश्चित बात है। और परिवार ने इसको स्वीकार नहीं किया और लगातार विरोध होता रहा, और इसीलिए उनको परिवार से भी निकाल दिया गया था। फिर जब वो लगातार वहां पे काम करते रहे कुली का, फिर बड़े भाई जो थे राजा राम जी, उन्होंने कहा कि उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, तो उनको बाहर भेजा गया। वहां वीर सावरकर जी के अलावा उनको कृष्ण वर्मा जी वहां के क्रांतिकारी मिले। उन्होंने उन्हें उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सीखा और कुछ काम किया। लेकिन जो मुख्य सबसे बड़ी बात ये है, जो कई बार हमें लगता है कि इन शहीदों का ऋण हम कैसे चुकाएंगे, ऐसा शहीद जिसने बाहर जाकर, पहला हमारा शहीद जिसने शहादत दी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी अस्थियां तक लेने के लिए मना कर दिया कि हमें उसकी अस्थियां नहीं चाहिए, हमारा वो बेटा नहीं था, ये इनकार कर दिया उसने। मैं प्रदीप जी बीच में बात लाना चाहूंगा, हिस्ट्री की बात है। जब मदनलाल ढींगरा जी को फांसी दी गई तो परिवार ने उनकी अस्थियां लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वीर सावरकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, अंग्रेज सरकार ने उन्हें वो उनका जो शरीर है वो देने से इनकार कर दिया। फिर भी आजादी हमें 1947 में आजादी मिली, 67 वर्ष बाद 1976 में बिल्कुल उनकी अस्थियां को इस देश में लाया गया। वो कैसे आई अस्थियां, वो ये था मामला के ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1975 में कहा कि शहीद उद्धम सिंह जी की अस्थियां भी वहीं थी कि उनको लाया जाए। जब वहां उनकी अस्थियां लेने गए शहीद उद्धम सिंह जी की, तो वहां पता चला, वहां बताया गया कि एक शहीद की और अस्थियां हैं आपके देश की। तो
वहां जाके पता चला, फिर दोनों शहीदों की अस्थियां एक साथ हिंदुस्तान में लाई गई। और ये बड़ा अजीब बात है कि इतने सालों तक हम अपने शहीद को भूले रहे, जिसने अपनी जान दे दी हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, हमें आजाद वतन देने के लिए जिसने जान दे दी, उसको हम बिल्कुल भूल गए। फिर 1975 के बाद इसलिए चर्चा दोबारा से मदनलाल ढींगड़ा की शुरू हुई। तब तक हमारे दूसरे शहीद स्थान पा चुके थे, उनकी बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी, लेकिन ये शहीद हमारा गुमनाम रहा। नहीं, लेकिन जो बात आपने पहले कही, इस शहीद की शहादत का मैं ज्यादा, वैसे तो शहीद सभी ने जिन्होंने शहादत दी है वो देश के लिए महान थे, लेकिन इनकी महानता उनसे भी अधिक थी, क्योंकि उनका पारिवारिक माहौल पूरा अंग्रेजी माहौल था। और जिस लॉर्ड कर्जन वैली का उन्होंने हत्या की थी, वो उनके पिता का दोस्त था जी। और उनके पिता का, जैसे आपने पहले बताया, उनके फादर पहले हिसार में थे, फिर अमृतसर में सीएमओ थे, और उनका उठना बैठना अंग्रेजों के साथ ही था। तो एक ऐसे माहौल में वो क्रांतिकारी, उनके मन में विचार आए, परिवार ने उनको लंदन पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उनके विचार वही रहे जो लाहौर में थे, जो कारखाने में मजदूरी करते हुए थे, जो टांगा चलाते हुए थे, उस समय भी उनके विचार क्रांतिकारी थी। बिल्कुल, ये ठीक बात। बड़े बड़े अफसोस की बात जो मैं आप एक और जिक्र करना चाहता हूँ, उनकी पृष्ठभूमि हरियाणा और पंजाब, उस समय संयुक्त पंजाब था, एक ही था। लेकिन हरियाणा और पंजाब की सरकारें भी उन्हें भूली हुई हैं। आज जैसा कि हमने सिरसा में एक कार्यक्रम किया, और बड़े अफसोसनाक तरीके से मुझे कहना पड़ता है कि केवल 2 वर्ष पहले हम भी जाके, हम खुद भी इसमें दोषी हैं, हमने भी मदनलाल ढींगड़ा का जो स्मारक है वो 17 अगस्त 2016 को सिरसा में बनाया, लेकिन 13 आए दुरुस्त आए, फिर भी हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। तो आपके मन में, आपने कोई हिस्ट्री में पढ़ा हो और कोई ऐसी घटना इनके बारे में? उनके बारे में घटनाएं तो बहुत है, लेकिन जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ हमारे क्रांतिकारियों का पारिवारिक सहयोग मिला उनके मुकाबले में, ये बिल्कुल विपरीत स्थितियों के क्रांतिकारी थे, जिनके परिवार में माहौल नहीं था और सब लोग अंग्रेजों की तरफ झुके हुए थे। ऐसे में ये हमारा मदनलाल ढींगड़ा क्रांतिकारी हुआ और उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। और जो खास बात जो मुझे याद आती है, जो छोटा सा जो मुकदमा चला, जो 22 दिन का आप कह रहे हैं, उस मुकदमे जो उनका बयान है जो कोर्ट में, वो बहुत कमाल का है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भारत माता को क्या देके जा सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे पास मेरे शरीर का खून है बस, मैं वो दे सकता हूँ, और मैं देकर जा रहा हूँ, निछावर करके जा रहा हूँ अपनी भारत माता पे। ये देखिए कितने उनके विचार ऊंचे विचार हैं। वो कहते हैं मेरा जो कुछ है हाजिर है अपने देश के लिए। हम लोग उनको याद करते हैं, हम सोचते हैं कि उनके पदचिन्हों पर चलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी प्रेरणा को लेकर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी आज की विडंबना है हमारी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऐसे शहीद थे, और उनकी विरासत हमारे पास आज होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे हाथ खाली हैं। हम सिर्फ साल में एक बार हम रस्म अदायगी तक सीमित रहे, या उन्होंने जो कहा है, जो देश जैसा वो बनाना चाहते थे वैसा बनाए, मुझे नहीं लग रहा वैसा देश बन रहा है, वैसा बनना चाहिए था। आज तक 70 साल हो गए हैं, 70 साल बहुत बड़ी बात होती है, क्यों नहीं बना? अगर नहीं बना तो हम जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए। एक चीज मैं, मेरे जहन में और आ रही है, पता नहीं ये उपयुक्त होगी या नहीं होगी, वो जनता निर्णय लेगी। पिछले कुछ समय से हमने अपने शहीदों को भी बांट लिया है, जैसे मदनलाल ढींगड़ा पंजाबी परिवार से थे, अरोड़ा परिवार से थे, तो उनकी शहीदी दिवस मनाने के लिए अरोड़े आगे आए। शहीद उधम सिंह कंबोज परिवार से थे, तो उनकी शहीदी मनाने के लिए कंबोज आए। शहीद भगत सिंह के परिवार के लिए कम्युनिस्ट आए। हमें इस बात पे भी विचार करना होगा, शहीद सभी के थे, शहीद किसी एक समाज के नहीं थे। हमारे ये जो पिछले कुछ समय से हमारे, मतलब हम शहीदों के पद चिन्हों पर तो क्या चलेंगे, हमारे समाज में ये जो विकृति आई है, हमने शहीदों को भी बांट लिया है। मैं आज आप सभी से, जितने भी लोग इस हमारी इस बातचीत को सुने, ये कहना चाहूँगा, शहीद सभी के हैं, उन्होंने भारत माता के लिए, भारत देश के लिए कुर्बानी दी थी, कृपया करके उन्हें जात बिरादरी में ना बांटे। मैं अंत में आपसे, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे इस बात से। राम मोहम्मद सिंह आजाद वो कहते हैं अपने आप को उधम सिंह, लेकिन हम उन्हें एक बिरादरी के साथ जोड़ लेते हैं। मदनलाल ढींगड़ा पूरे देश के लिए लड़े हैं, किसी जात बिरादरी के लिए नहीं लड़े हैं, पूरे देश के लिए लड़े हैं। भगत सिंह पूरे देश के लिए लड़े हैं,
लेकिन ये बंटवारा करना ये हमारी समझ का छोटापन है। हम अपने जो अगर फेल्ट हैट लगाकर भगत सिंह होता तो पूरे देश की क्रांतिकारियों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे देश ने पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन हम उन्हें भी बांटना चाहते हैं। ये हमारी छोटी सोच है। पूरे देश की लड़ाई लड़ने वालों को मैं भाटिया जी के साथ सहमत और आपसे निवेदन करता हूँ कि बांटना छोड़िए, कृपा करें इन शहीदों पर। मैं बड़ी कड़वी बात आपको कह रहा हूँ, ये सबके हैं, सांझे हैं, हमारे सबके हैं, सबके सब शहीद सबके हैं। आइए हम सब मिलकर उन्हें याद करें और उनकी जो अमीर विरासत है उनको हम अपने साथ भी लेकर जाएं, अपने बच्चों को भी बांट कर जाएं। दोस्तों आज इतना ही। हमारी इसी अपील के साथ हम सभी शहीदों को नमन करें। धन्यवाद।